जब तक हमारे सीमाओं में हमारी सेना रहेगी और विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठा के देखे। हेलो गाइज, नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल दीपू दास ब्लॉग में। गाइज, अभी मैं आज आया हूँ यहाँ पे मंगलवारिया पे। तो मंगलवारिया पे जो है आज फुटबॉल खेल का फाइनल है, तो देख सकते हैं ये मंगलवारिया का नजारा है। और यहाँ पे हमारे यहाँ के विधायक श्री पद्मा हजारिका जी भी आए हैं। तो आप सब वीडियो में बने रहे गाइज, आज का वीडियो जो है काफी अच्छा होने वाला है। आज का जो खेल का पार्टी है, एक पार्टी है मंगलवारिया और दूसरा पार्टी है गेला हाटिंगा। ये दोनों पार्टी का जो है आज खेल होने वाला है, आज फाइनल है। तो देख लीजिए, हमारे भाई लोग भी सारे लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये जो फील है देख सकते हैं, ये फील है और बीच में खिलाड़ी लोग को खड़ा किया गया है। तो यहाँ से शायद मुझे उतना अच्छा से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ दो पार्टी का खिलाड़ी के बीच में, तो मैं इसे जूम करके दिखाने वाला हूँ गाइस। तो देख लीजिए, तो जो ये लाल कलर का ड्रेस पहने हुए गाइस, ये मंगलवारिया, और जो येलो कलर का ड्रेस पहने है ये गेला हाटिंगा। प्रतीक्षा है। यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं सारे लोग जो है अपने अपने तैयारी पे लगे हुए हैं। वो आप अंदाज लगा सकते हैं यहाँ पे कितना भीड़ है, और खेल चालू हो चुका है गाइस। तो गाइस, आपका भाई जो है गरीब है, इसी वजह से खेल का जो खिलाड़ी है उन सभी को क्लियर हिसाब से दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि 13 मेगापिक्सल कैमरा से वीडियो बना रहा है, इसलिए मुझे माफ करना गाइस। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे विधायक श्री पद्मा हजारिका जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं उनका फ्रंट साइड में जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि खेल चल रहा है, वहाँ बीच में जाना जो है अच्छा नहीं रहेगा। आगे बढ़ाते हुए तो गाइस देख सकते हैं हमारे यहाँ से विधायक साहब यहाँ से जाने वाले, तो हमारे गांव के गणिया मानिया व्यक्ति जो है उनकी विदाई के लिए आए हैं यहाँ पे। तो हमारे सर लोग भी यहाँ पे आए हैं खेला देखने के लिए। तो देख सकते हैं हमारे विधायक साहब श्री जो पद्मा हजारिका जी यहाँ से निकल चुके हैं, तो उनके विदाई के लिए आए थे। बढ़िया बढ़िया, बढ़िया 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 बे बढ़िया, दामी देखो भैया। तो गाइस अभी तक मतलब गोल नहीं हुआ है किसी भी पार्टी में, तो यहाँ के जितने भी दर्शक है सब मतलब एक्साइटेड है देखने के लिए कौन सा पार्टी फर्स्ट गोल करने वाला है। सभी लोग मतलब काफी एक्साइटेड है देखने के लिए, यानी कौन सा पार्टी पहला गोल करता है। सर भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो बिल्कुल हाथ में आया हुआ गोल बाहर निकल गया। ओ फास्ट पड़ी रे, फास्ट एनर्जी देखो, एनर्जी वो करे चला। चलो सकते हैं, ये है मंगलवारिया का जो खेल मैदान का नजारा। यहाँ पे इस हिसाब से लोग मतलब बड़े पड़े हुए हैं, और खेल में अभी तक जो है मतलब कोई भी पार्टी ने जो है गोल अभी तक दिया नहीं है। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ का नजारा अभी जो है हाफ टाइम हुआ है, तो खिलाड़ी सारे जितने भी बैठे हुए हैं और काफी लोगों से भरा पड़ा मैदान है, मतलब कहीं पे जगह नहीं मिलने वाला है आपको। मतलब इधर का साइड में जो है काउंटर बनाया गया है, देख लीजिए गाइस। अभी जो है हाफ टाइम है, तो इसी वजह से सारे लोग जो है पानी वानी पी रहे हैं। काफी अच्छा खेल हो रहा है अभी तक, मतलब कोई भी पार्टी ने जो है गोल नहीं दिया है। तो सारे खिलाड़ी को भी मैं दिखा देता हूँ आपको गाइस, ये गेला हाटिंगा पार्टी के भाई लोग। तो सारे लोग अभी ठंडा उंडा पी रहे हैं, मतलब हाफ टाइम है ये लोगों का।
तो इधर का साइड में दिखा दो गाइस, ये है मंगलवारिया पार्टी। तो ये लोग भी अभी काफी थके हुए, तो ये लोग भी अभी पानी उनी पी रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सारे लोग, काउंटर यहाँ पे बनाया गया है, देख सकते हैं गाइस। तो हमारे सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए। तो मैं अभी आप सभी को उधर का साइड का भी नज़ारा दिखाता हूँ गाइस। यहाँ पे मतलब हिसाब करके बताओ तो शायद कितना का संख्या में होंगे वो मुझे भी अंदाजा से लगा नहीं सकता हूँ। तो आप सब भी देख रहे हो तो आप सभी को भी पता चल ही गया होगा यहाँ पे कितने लोगों से भरे पड़े हुए हैं। तो देख लीजिए गाइस, और हमारे सारे लोगों के हाथों में जो है मिठाई का डब्बा दिया गया है। ओ सर नमस्कार। तो यहाँ पे देख लीजिए, मतलब चारों तरफ इसी टाइप का नज़ारा है गाइस। चारों तरफ जो है लोग भरे पड़े हुए हैं, चारों तरफ सभी भरे हुए। यहाँ का जो खेल है मतलब काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे सारे लोग जो है काफ़ी एक्साइटेड होकर के बैठे हुए हैं, मतलब कौन सा पार्टी का गोल पहले होने वाला है। यहाँ पे हमारे पुलिस प्रशासन के लोग जितने भी सेवा में जुड़े हुए हैं, तो सभी का हाथों में जो है पानी का बोतल और खाने का मिठाई का डब्बा दिया जा रहा है। क्योंकि अभी तो थोड़ा सा धूप बल्कि कम है, तो लेकिन बहुत ही धूप था यहाँ पे। लोग नीचे तो बैठे हुए हैं, ऊपर भी बैठे हुए हैं खेल देखने के लिए। और इन्होंने जो है थोड़ा गलती किया जैसा लग रहा है, उम्र का हिसाब से ये मतलब थोड़ा सही नहीं किया, वहाँ से गिर जाएंगे तो कहीं खेल का चक्कर में जो है थोड़ा जोश में आकर के गिर भी सकते हैं। आप नीचे उतर जा तो देख सकते हैं गाइस, मतलब ऊपर भी बैठे हुए लोग जो है नीचे तो नहीं। तो यहाँ पे चारों तरफ जो है इसी टाइप का जो है मतलब भीड़ है। तो यहाँ पे इतने भीड़ है जो अभी फिलहाल जो है पानी तो किसे ना कम से कम खा लो। तो यहाँ पे बाउंड्री का चारों तरफ जो है हमारे तो बाउंड्री के अंदर चारों तरफ पुलिस दिया गया है। तो अभी फिलहाल जो है थोड़ी ये हाफ टाइम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं दिया गया, तो थोड़े टाइम के बाद जो है खेल फिर से दोबारा चालू होने वाला है। तो ये बाजार की ओर की तरफ ये जो घर दिखाई दे रहा है आपको, ये बाजार का घर है। तो काफ़ी जो है मतलब भीड़ है, मैंने आपको जो है चारों तरफ से घुमा के दिखाने का कोशिश किया और दिखा रहा हूँ जितना हो सकता है। तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो आज का खेल जो है काफ़ी दमदार होने वाला है। आज लास्ट फाइनल है, तो इसी वजह से लोग जो है यहाँ पे पूरा बाउंड्री जो है घेर के बैठे हुए हैं। तो सब लोग काफ़ी एक्साइटेड है, यहाँ पे फर्स्ट किसका होने वाला है मतलब गोल। तो अभी तक मतलब बिल्कुल ड्रॉ है, अभी तक मतलब किसी का हुआ नहीं है गोल। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारे उत्तर मुड़ा दल के ZPC सर जो है केशव दाहाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और पीछे का तरफ बैठे हुए हैं हमारे दीपक नेवार सर। दीपू दास जो ब्लॉग है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, काफ़ी अच्छा वो लोग वीडियो बनाते हैं। तो उन लोगों ने आके जो यहाँ का फुटबॉल का जो सारा नज़ारा आप लोग को दिखाया, इसलिए मैं दीपू दास ब्लॉग के यूट्यूबर हैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। आप भी प्लीज़ दो शब्द कुछ कह दीजिए। आज यहाँ उत्तर मुरादल गाँव पंचायत के अंतर्गत में मंगलप्रिया प्ले ग्राउंड में खेल जो चल रहा है, जो यहाँ का जो खेल मैदान में जो परिवेश, खेल का परिवेश बनाने में सहयोग कर रहा है हम लोग का भाई दीपू दास ब्लॉक, उनको हम उत्तर मुरादल तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। उनका यूट्यूब चैनल से यहाँ का जो परिवेश दिखाने के लिए जो सहयोग किया, उनको सब्सक्राइब करने के लिए हम भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक हिंदुस्तान में तिरंगा पताका रहेगा, जब तक हमारे सीमाओं में हमारी सेना रहेगी, और विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठा के देखे। आज हम लोग अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, और अमृत महोत्सव के उत्सव पर हम लोग आसाम के ए सत्या समष्टि के सम्मान्य विधायक को सम्मुख में रख के हम लोग का बालीजड़ी मंगलप्रिया में आज खेल उद्घाटन हो रहा है।
और एक खेल के वजह से भारत तथा हमारे अंचल के जितने भी क्रीड़ा प्रेमी राइज है और खिलाड़ियों को हम लोग उत्साह दे रहे हैं। आज के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोग को हम लोग स्वागत और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सभी को भी मेरा तरफ से तहे दिल से धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो पे 2 सप्ताह का है उसके लिए। थैंक यू सर। तो गाइस फिर से जो है दोबारा खेल चालू हो चुका है। आगे बोल दो निकालते हैं फिर से थोड़ी देर का बाद पंगल भैया से पंगल भैया से जो है समय पे आए बचाओ बचाओ गलाटी गैस से है उतर के आसान सा बोल दो की बोल दो तुम्हें लेफ्ट लगातार थोड़ी देर का बाद 12 नंबर प्लेयर अमन राय थ्रोइंग लेते हुए मुकाबले को जीत लिया है। इस साल के विजेता घोषित होंगे उसी तरह के बाद तो गाइस यहां पे देख सकते हैं एफसी ने इस मुकाबले को एकमात्र गोल खिलाड़ी लोग बहुत एक्साइटेड है। तो देख सकते हैं यहाँ पे नजारा गाइस क्या बात है। तो गाइस आज जीतने वाले को जो है मिलने वाला टॉफी में दिखाना चाहता हूँ, साथ में 10,000 रुपया केस और टॉफी यहाँ पे रखा गया है। आज का जो विजेता है गला अटिंगा टीम तो उनको 10,000 रुपया केस और यहाँ पे रखा गया ट्रॉफी ये दिया जाएगा गाइस। तो गाइस देख सकते हैं आज के खेल के सहयोगी जितने भी थे उन सभी को यहाँ पे गामछा ओढ़ा के सम्मानित किया जा रहा है। तो आई होप कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। हम मिलेंगे अगला ब्लॉग पे। जय आई अखम।